इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद ऊपर सर्च वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च करना है फोटो रूम। एंड फोटो रूम सर्च कर लेने के बाद जो सबसे ऊपर में ऐप दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। एंड गाइस ओपन कर लेने के बाद आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाएगा। नीचे स्टार्ट फ्रॉम फोटो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से जिस भी फोटो का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से ऐड कर देना है। एंड ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ स्कैन करेगा फोटो को। एंड स्कैन कर लेने के बाद आपको जो है एंड गाइज स्कैन कर लेने के बाद आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाएगा। यहां पर आपको बहुत तरह का जो है बैकग्राउंड रिमूव करके आपको देगा इस ऐप में। तो आपको यहां पर सिंपल सा ट्रांसपेरेंट वाला जो ऑप्शन यहां पर जो फोटो में दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद ऊपर में जो वहाँ पर दिख रहा होगा शेयर वाला ऑप्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। आपको यहां से अब जो गैलरी में चेक करके आपको दिखा देते हैं कि फ़ोटो सेव हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो यहां पे सेव हो चुका है बहुत बढ़िया से, जो हमारा जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो गया है।